नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज भारत मना रहा है संविधान दिवस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार हुआ था संविधान। 2 साल 11 महीने 17 दिन का लगा था समय। बिहार में जमीन सर्वेक्षण काम में तेजी। मुजफ्फरपुर मोतिहारी में खरीद बिक्री में वृद्धि। शिवहर और सीतामढ़ी में वसूली लक्ष्य का 80% पूरा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले जरा ध्यान दे, 2000 बैलेंस पर मिलेगा 0.25% का ब्याज। पोस्ट पैड उपभोक्ताओं को 3 महीने बाद 1% की छूट। बिहार विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज स्मार्ट मीटर और 65% आरक्षण पर विरोध। तेजस्वी के नेतृत्व में विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन। और IPL ऑक्शन में बड़ा धमाका। ईशान किशन बिके 11.25 करोड़ में। सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ में खरीदा गया। अब खबरें विस्तार से। राज्य के विभिन्न जिलों में किसानों से 37,030 टन धान की खरीद की जा चुकी है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के तहत धान की खरीद राज्य के सभी जिलों में 1 नवंबर से शुरू हो गई थी। पैक्स और व्यापार मंडल द्वारा किसानों से साधारण धान 2,300 रुपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान 2,320 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जा रही है। विभाग ने यह भी बताया कि पैक्स प्रबंध कारिणी के निर्वाचन प्रक्रिया के बावजूद धान खरीद काम जारी रहेगा। गौरतलब है कि रैयती किसान 250 क्विंटल तक और गैर रैयती किसान 100 क्विंटल धान राज्य सरकार की निर्धारित प्रक्रिया के तहत बेच सकते हैं। आज 26 नवंबर को हम भारत के संविधान के इतिहास को याद करते हुए संविधान दिवस मना रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से लागू किया गया। आपको बता दें कि पहले इसे कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। इस महान काम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान रहा। उनके नेतृत्व में भारत का संविधान तैयार हुआ, जिसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स शामिल हैं। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम तेजी से जारी है। सरकार इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वहीं राज्य के कई जिलों में जमीन खरीद बिक्री में भी जोरदार वृद्धि देखने को मिली है। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिलों ने जहां शानदार प्रदर्शन किया, वहीं पश्चिमी चंपारण बेतिया ने 131.67% वसूली के साथ अपनी स्थिति मजबूत की है। हालांकि कुछ जिलों जैसे कि शिवहर और सीतामढ़ी में लक्ष्य का केवल 80% ही पूरा किया जा सका, जिसे लेकर विभागीय अधिकारियों ने इन जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई है। इस असंतोषजनक प्रदर्शन ने कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्व वसूली और खरीद बिक्री में इस बदलाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से आने वाले दिनों में और भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इधर शिक्षा विभाग ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया है। ये सभी शिक्षक जो हैं सक्षमता परीक्षा के फॉर्म में गड़बड़ी करने में दोषी पाए गए हैं। विभागीय जांच में ये सामने आया है कि इन शिक्षकों द्वारा दिए गए पात्रता परीक्षा के क्रमांक दूसरे शिक्षकों से मेल खा रहे थे, जो नियमों का उल्लंघन है। विभाग ने इन शिक्षकों को पटना बुलाकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया था, लेकिन वे सभी अनुपस्थित रहे। विभाग ने उनकी गैर हाजिरी को गंभीरता से लिया और नियमों का उल्लंघन करने के कारण इनकी सेवा समाप्त करने का फैसला किया है। अब संबंधित नियोजन समितियों को इन शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई को पूरी करने के निर्देश दिए गए। बिहार के 13 साल के वैभव सूर्यवंशी IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में छा गए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.10 करोड़ रुपए में खरीद कर उन्हें IPL इतिहास का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बना दिया है। सूर्यवंशी की बोली उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपए से शुरू हुई थी, लेकिन इस दौरान राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। अंत में राजस्थान ने उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया। इस ऑक्शन में नवादा के ईशान किशन को 11.25 करोड़ में और गोपालगंज के मुकेश कुमार और रोहतास के आकाशदीप को 8-8 करोड़ में खरीदा गया। IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में बिहार के क्रिकेटर्स का जलवा बरकरार रहा।
बिहार में पैक्स चुनाव के लिए आज वोट डाले गए। पहले चरण में राज्य के 1608 पैक्सों के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पैक्स चुनाव के इस पहले चरण के बाद दूसरे चरण का मतदान जो है कल होगा, यानी कि 27 नवंबर को होगा, जबकि तीसरे चरण का मतदान जो है 29 नवंबर को और चौथे चरण का मतदान जो है 1 दिसंबर को और पाँचवें चरण का मतदान 3 दिसंबर को होगा। पटना जिले में कुल 3 चरणों में पैक्स चुनाव होगा, जिसमें पहले चरण का मतदान आज हुआ, तीसरे चरण का 29 नवंबर को और पांचवें चरण का मतदान जो है 3 दिसंबर को होगा। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं के लिए एक खास स्कीम की शुरुआत की है। अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ता अगर अपने खाते में 2000 रुपये या इससे अधिक बैलेंस रखते हैं और 6 महीने तक, तो उन्हें बैंक दर से 0.25% अधिक ब्याज मिलेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। अगर वे 3 महीने तक लगातार बिजली का बिल भुगतान करते हैं तो 4th महीने में उन्हें 1% की छूट मिलेगी। इसका मतलब अगर आपने 3 महीने तक 2000 रुपये का भुगतान किया है तो 4th महीने में आपको 20 रुपये की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर आप ऑनलाइन माध्यम से समय पर अपना बिजली बिल भुगतान करते हैं तो आपको 3.5% की बचत भी होती है। अगर पटना नगर निगम ने शहर में बेसहारों के लिए 29 रैन बसेरों का निर्माण किया है, जिनकी कुल क्षमता 907 बेड की है। सोमवार को इन रैन बसेरों को गरीबों के लिए खोल दिया गया है। खास बात यह है कि पहली बार 3 अलग अलग प्रकार के रैन बसेरे बनाए गए हैं। जर्मन हैंगर से बने 12 रैन बसेरे, 6 अस्थायी और 11 अस्थायी आश्रय स्थल। इनका निर्माण जो है सार्वजनिक स्थलों, चौक चौराहों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास किया गया है, ताकि गरीबों को कड़ाके की ठंड में राहत मिल सके और उन्हें दूर दूर तक आश्रय स्थल के लिए न जाना पड़े। इन रैन बसेरे में लोगों को निःशुल्क बेड, बेडशीट, कंबल, मच्छरदानी, पेयजल, शौचालय जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा सुरक्षा के लिए सभी आश्रय स्थलों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो नगर निगम के कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं, ताकि रैन बसेरों की 24 घंटे निगरानी की जा सके। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में यह सामने आया है कि पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़ने के साथ साथ ब्लैक स्पॉटों की संख्या में तेजी से बढ़ रही है। बिहार इस मामले में एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। राज्य में ब्लैक स्पॉटों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिसके कारण हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है। NHI के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 270 ब्लैक स्पॉट जो है चिन्हित किए गए थे, जिनमें से केवल 10 को ही सुधारने में सफलता मिल पाई है। ये आंकड़ा पूरे देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बेहद चौंकाने वाला है, जबकि दिल्ली, MP और तेलंगाना जैसे राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ब्लैक स्पॉटों को सुधारने में अग्रणी रहे। बिहार इस मामले में सबसे पीछे है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर देश भर में 300 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई है। इस मामले में उत्तर बिहार के बैंकों के 40 खातों का इस्तेमाल किया गया है। साइबर शातिरों ने मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों के बैंकों में खातों को संचालित कर धोखाधड़ी की है। विधाननगर साइबर पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि ये ठगी कई बड़े शहरों, खासकर मुंबई से जुड़ी हुई है। शातिर कमीशन पर लेन देन करके इन खातों में पैसे ट्रांसफर किया करते थे। आपको बता दें, कई खातों का इस्तेमाल निरक्षर ग्रामीणों के नाम पर भी किया गया है, जिनसे बिना उनकी जानकारी के बड़े लेन देन किए गए। इस नेटवर्क का खुलासा मुजफ्फरपुर, मोतिहारी जैसे शहरों में सक्रिय साइबर फ्रॉड के ठिकानों के जरिए हुआ। पुलिस ने इस मामले में बैरिया के अनुराग सिंह और गुजरात के मयंक चौधरी को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। विपक्षी दलों ने विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, जिससे केंद्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध के साथ साथ 65% आरक्षण की मांग भी है। खुद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधानसभा के गेट पर इस प्रदर्शन में शामिल हुए प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर लिए थे, जिसमें ये मांग उठाई गई है कि अति पिछड़ों, ST और SC समुदाय के लिए 65% आरक्षण बहाल किया जाए। इसके अलावा रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इधर बिहार विधानसभा में तरारी विधानसभा से नव निर्वाचित विधायक विशाल प्रशांत ने शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने उन्हें शपथ दिलाई। आपको बता दें कि 23 नवंबर को हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम NDA के पक्ष में रहे थे, जिसमें बीजेपी ने 2, जदयू ने 1 और हम पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। विशाल प्रशांत जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने तरारी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। हालांकि शेष 3 नवनिर्वाचित विधायकों ने पहले ही शपथ ले ली थी, लेकिन तरारी से विधायक का शपथ
जो है निजी कारणों से देर हुआ था, जो आज संपन्न हुआ। लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी के बदले जमीन के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने मंगलवार को इस मामले में 30 लोक सेवकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सीबीआई का कहना है कि इनमें से एक लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट का जो है इंतजार अभी किया जा रहा है, जबकि बाकी आरोपियों के खिलाफ केस चलाने के लिए 15 दिन की और समय की मांग की गई है। दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। बिहार विधानसभा में शराबबंदी और जहरीली शराब से होने वाली मौतों के मुद्दे पर नीतीश सरकार अपने ही जवाब में फंस गई। विधानसभा में विपक्षी सदस्य और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के मंत्री सरवण कुमार द्वारा दिए गए जवाब पर सवाल उठाए। सरवण कुमार ने कहा कि बिहार में अप्रैल 2016 से अब तक जहरीली शराब से 156 मौतें हुई हैं और शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसे गलत करार दिया और दावा किया कि यह आंकड़ा जो है सिर्फ 3 जिलों का है, जबकि बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों का असल आंकड़ा कहीं अधिक हो सकता है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी योजना बिहार की सबसे असफल योजना साबित हुई। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सोमवार को पर्थ में ऐतिहासिक जीत का दिन था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2008 के बाद पहली बार पर्थ में टेस्ट मैच जीता है, लेकिन इस शानदार जीत के बाद टीम इंडिया को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। खबर यह है कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, जो इस समय पहली बार भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कोचिंग दे रहे हैं, अचानक पर्सनल इमरजेंसी के कारण भारत लौट रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर के परिवार में किसी सदस्य की सेहत ठीक नहीं है, जिसके कारण वे भारत लौटने का निर्णय लिए हैं। लेकिन क्रिकेट प्रेमियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंभीर 6 दिसंबर को एडिलेड टेस्ट से पहले टीम के साथ फिर से जुड़ेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, संजीव कुमार, गुनर शर्मा पान, राम सागर पासवान, राजकिशोर महतो, संजीव गुप्ता, अनवर करीम खान, कुश कुमार यादव, राकेश मिश्रा, खैरुन निसा, सरवन कुमार, बाबूलाल मरांडी, रवि मोहन वर्मा, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, सुकांत शंकर, राम बाबूदास, छोटू रजा, मोहम्मद फैयाज अली मासूम, नौसाद रजा, कुमुद बाबा, मनीष पांडे, मनोज कुमार, कामेश्वर सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप जहाँ के निवासी हैं वहाँ की खासियत क्या है? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप बिहारी न्यूज़ देखते रहिए, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।